हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली जब हम बॉटनी पढ़ते हैं निट में, तो जब मैं फ्रूट्स पढ़ाता हूँ, फ्रूट्स का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में दिया है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर जो है निट वालों के लिए जो अब हमें पढ़ाना पड़ता है, उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है कोकोनट का। कोकोनट बेटा ड्रूफ सिंपल ड्रूप फ्रूट्स का एग्जाम्पल होता है मैंगो और कोकोनट, जिसमें से मैंगो तो बच्चे समझ जाते हैं कि एपिकार्प क्या होता है। एपिकार्प जो हम आम का छिलका उतारते हैं, उसका जो सकुलेंट पार्ट होता है वो मीसोकार्प होता है, जो हम खाते हैं, जो कि एडिबल होता है। और जो उसका एंडोकार्प होता है वो जो है सीड के ऊपर जो है, जिसको हम गुठली कहते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। अगर उसको एंडोकार्प को भी हटाओ तो अंदर में तुम्हें सीड मिलेगा। अक्सर लोग एंडोकार्प को ही सीड कह समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। तो ये तो मैंगो की बहुत आसानी से बात हो गई, क्योंकि हम मैंगो खाते हैं, मैंगी वेराइटी का खाते हैं। कोकोनट ये मेरे पास है, जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और मैं कई बार अपने बच्चों को, अपने जो है प्यारे बच्चों को जब मैं समझाता हूँ, तो मुझे एपिकार्प समझाने में बहुत प्रॉब्लम आती है कोकोनट में। कोकोज न्यूसीफेरा जिसका इसका साइंटिफिक नेम है, और डबल एंडोस्पर्म भी कहते हैं कोकोनट को, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा कोकोनट में जो है ना, ये मैं एपिकार्प का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ है इत्तफाक से, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ऐसे जितने भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए पूरी तरीके से मैं उसकी अवेलेबिलिटी को कंफर्म करूंगा। तो ये मेरे पास छोटा सा टुकड़ा जो ऐसे इस पे अटैच था, है ना, तो ये एपिकार्प का एक छोटा सा टुकड़ा है, एपिकार्प का छोटा सा टुकड़ा है, जो मैं बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए एपिकार्प का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि सूख गया है, ठीक है ना। एपिकार्प हटाने के बाद जो है ये पूरा जो बचा है ये है मीसोकार्प। मीसोकार्प फाइबरस होता है, जिससे हम क्वायर बनाते हैं। ये जो मीसोकार्प होता है, देख रहे हो ये डायग्राम, ये नारियल जो है हमें अक्सर जो है मीसोकार्प और एंडोकार्प के साथ मिलता है, और एपिकार्प अक्सर नहीं होता, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी दिखाया। तो मीसोकार्प को जब अपन हटाते हैं, तो ये मैंने मीसोकार्प हटाने की कोशिश की है, ये फाइबरस होता है मीसोकार्प, और ये जो है इसी से हम क्वायर बनाते हैं। ये इसका एंडोकार्प होता है, देखो इसमें आवाज आती है, ये एंडोकार्प, ये एंडोकार्प है जो नारियल हम फोड़ते हैं, तो ये एंडोकार्प है। तो कहने का मतलब एपिकार्प थिन लेयर के रूप में होती है कोकोनट में, मीसोकार्प फाइबरस होती है जिससे हम क्वायर बनाते हैं, और एंडोकार्प ये जो है स्टोनी होती है, हार्ड होती है ना, जिसको हम फोड़ते हैं तो अंदर से हमें एंडोस्पर्म मिलता है कोकोनट का, ठीक है ना। ये है, देखो आप, ये पूरा इसका मीसोकार्प है, जो कि फाइबरस है, आप देख रहे हैं फाइबर के रूप में है, बहुत आसानी से देखा जा सकता है, बहुत सिंपली देखा जा सकता है। तो इस तरीके से एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प के बारे में हमने जाना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं सारे प्यारे बच्चों को, कि जो है अक्सर हम मोनोकार्प, मोनोकार्पिलरी और मोनोकार्पिक में कंफ्यूज करते हैं। मोनोकार्पिलरी ये जो है ड्रूप फ्रूट मैंने बताया, मैंगो कोकोनट, ये दोनों मोनोकार्पिलरी यानी कि सिंगल कार्पल से डेवलप होते हैं, इनमें सिंगल कार्पल होता है। जबकि मोनोकार्पिक का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग लाइफ में एक बार होती है, तो वो होते हैं मोनोकार्पिक। सो रिमेम्बर माय डियर स्टूडेंट्स कि मोनोकार्पिक और मोनोकार्पिलरी दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक जो है आसान से कॉन्सेप्ट को लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।